10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। पूरे विश्व में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में इस दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और उसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना है। मानवाधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। हमें गर्व है कि हमारे भारत के संविधान में यह सभी अधिकार देश के नागरिकों को दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 पर मूलभूत अधिकारों के नाम से वर्णित किए गए हैं, जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जिसकी भारतीय संविधान में न केवल गारंटी देता है बल्कि इसके उल्लंघन करने वालों को अदालत द्वारा सजा भी दी जाती है। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और कई प्रांतों में प्रांतीय सरकारों द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। समय समय पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और प्रांतीय सरकारों के मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सजग कदम सक्रियता से कार्य करते हुए उठाए जाते रहे हैं। कार्यपालिका पर मानव अधिकारों के हनन होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, उनसे जवाब तलब किया जाता है। हमारे देश में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का वातावरण है। देश के प्रत्येक नागरिक मानव अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। उनका हनन होने पर तुरंत मानव अधिकार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसके परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं। सभी देशवासियों से आग्रह है कि वह संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सजग रहें, सतर्क रहें। समय समय पर यदि उनका हनन होता है तो मानव अधिकार आयोग में तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराएं। गोंदिया से बीसीएन न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।